हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट एंड जॉय। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा वाटर कलर एक्सपीरियंस, वाटर कलर टेक्निक्स एंड टिप्स। सो टुडे आई विल शेयर विद यू हाउ टू क्रिएट अ पेंटिंग विद सिंपल ब्लेंडिंग टेक्निक। ऑल रिक्वायर्ड आर्ट मटेरियल्स अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। यू कैन चेक दिस ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। आप कोई भी आर्ट सप्लाई यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट यहाँ पे मैं एक ट्री का लाइट स्केच ड्रॉ कर रही हूँ। जब आप वाटर कलर अप्लाई करेंगे तब उसके बाद इस स्केच की हेल्प से आप ट्री को शेप दे सकते हैं। तो सम ब्रांचेस एंड ट्री शेप मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे वाटर अप्लाई करेंगे पेपर पर। यहाँ हम वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज़ करेंगे फॉर ब्लेंडिंग। तो पूरे पेपर को इक्वली हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन वाटर अप्लाई होने के बाद हम येलो कलर का शेड लेंगे। आप कोई भी येलो कलर का शेड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस येलो कलर को हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। टॉप पे हम इसका शेड डार्क रखेंगे और नीचे आते आते हम इसके शेड को लाइट करते जाएंगे। हम यहाँ पर सन को भी कैप्चर करेंगे तो बीच में हम थोड़ा सा वाइट स्पेस देंगे सो डैट हमें सन का ग्लोई लुक दिखेगा। नेक्स्ट हम इमीडिएटली, जब हमारा पेपर वेट रहेगा तब हम इमीडिएटली ऑरेंज कलर का पेंट लेंगे जो कि हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। सो बॉटम पे जो ऑरेंज कलर रहेगा वो डार्क रहेगा एंड ऊपर आते आते उसका शेड लाइट होता जाएगा। तो हम बॉटम से टॉप की साइड जाएंगे जिससे दोनों कलर प्रॉपरली ब्लेंड हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे ऑरेंज कलर थोड़ा लाइट दिख रहा था इसलिए मैं इसमें थोड़ा डार्क शेड ऐड करूँगी। देखिए, आपको बॉटम से टॉप तक जाना है सो डैट आपके दोनों कलर प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे टिश्यू पेपर के हेल्प से और पेपर टॉवल के हेल्प से थोड़ा सा वाइट स्पेस देंगे और ब्रश के हेल्प से उसके राउंड शेप को क्लियर करेंगे। अभी हम पेपर के कंप्लीट ड्राई होने का वेट करेंगे। अभी हमारा पेपर पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इस पे ट्री का स्केच बनाएंगे। तो हम यहाँ पे ब्लैक कलर लेंगे। पहले हम उसका लेंथ का जो शेप रहेगा वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम ट्री ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक कलर यूज़ किए हैं, येलो, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर। एंड यू कैन इजीली क्रिएट दिस पेंटिंग एनी ऑफ द कलर। यहाँ पर हम ट्री ड्रॉ करेंगे। सो ट्री के लिए अगर आप पहले से ड्रॉ नहीं करते हैं, आपका पेंटिंग में हाथ अच्छा है, तो आप वाटर कलर पेंट के बाद डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रेफरेंस चाहिए तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप पेंसिल से लाइट स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ट्री क्रिएट करने के लिए, ट्री के लीव्स क्रिएट करने के लिए आप सिंपल ब्रश स्ट्रोक से ही कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिकली आपको
लीव्स ड्रॉ नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने वेट ऑन वेट टेक्निक के लिए 25% कॉटन 300 GSM पेपर का यूज़ किया है, तो प्रोबेबली आप इसी टाइप के पेपर का यूज़ करिए फॉर वेट ऑन वेट टेक्निक्स। अदरवाइज़ अगर आपका पेपर बहुत थिन रहेगा तो फिर आपका पेपर वेट ऑन वेट टेक्निक के लिए परफेक्ट नहीं आएगा और आपको रिज़ल्ट क्लियर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैं कैसे लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। आपको कोई स्पेशल कोई शेप में लीव्स ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ अपने ब्रश स्ट्रोक्स की हेल्प से आपको ये ट्री क्रिएट करना है। You can create any shape of tree. Even you can create different type of trees like palm trees, pine trees. ओके, सो ट्री ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे सम ग्रासेस हियर। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक मिनिएचर ब्रश यूज़ किया है, सो डैट जो लुक आएगा वो बहुत ही क्लियर आएगा ग्रास का। आप कोई भी टाइप के ब्रश यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने ट्री को फाइनल फाइनल फिनिशिंग देते हैं। ओके, सो अभी कंप्लीट हो गया है। हम इसके ड्राई होने का वेट करेंगे एंड ड्राई होने के बाद हम ये मास्किंग टेप निकालेंगे। तो इसे आराम से निकालिए, ये देखिए। ओके, सो ये आपकी पेंटिंग रेडी हो गई है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको वीडियो में दिख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।